नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला और वक्त हो चला है 4 बजे के 4 बड़ी खबरों का। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार पूरी तरीके से अब चर्चा में आ चुका है। वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। इस सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप है। इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। जेडीएस की इस समिति के सदस्य जीटी देवगौड़ा ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने तक रेवन्ना को सस्पेंड किया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को ये चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। और इस पूरे मामले में हमारे देखिए कलीग और संवाददाता अभिनव जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए। अभिनव, एक और कांग्रेस का आरोप, प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप कि किस तरीके से बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा किया और हासना सीट से सांसद प्रत्याशी बनाया, उस प्रत्याशी पर अब ये गंभीर आरोप। और दूसरी ओर अमित शाह कह रहे हैं कि कर्नाटका में चूंकि सरकार कांग्रेस की है तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। अभिनव, बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। यहाँ प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा है, उनके पोते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं प्रज्वल रेवन्ना, उन पे गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसी खबर है कि वो देश छोड़ के इस वक्त जर्मनी में मौजूद हैं, भाग गए हैं। वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी थे और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जगह चुनावी रैली भी की ही, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि वो इस पे भारतीय जनता पार्टी को कितना घेर पाएगी। क्योंकि आप देख पाएंगे कि पिछले दिनों कई ऐसे मामले हुए, चाहे बिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है इस तरह के तमाम बिंदुओं को लेके भाजपा को एक महिला विरोधी बताने में जुटी है। वहीं आपने अमित शाह का बयान सुना जिसमें वो कांग्रेस को ही दोषी बता रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त जो सरकार है वो कांग्रेस की है और कहना कि ये सब कांग्रेस के संरक्षण में हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इस विषय को लेकर लगातार सियासत जारी है और ये अभिनव सरकार कांग्रेस की है कर्नाटका में और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे में मुकदमा करने में या फिर कार्रवाई करने में। लेकिन मुझे ये बतलाइए कि इस पूरे मामले का असर क्या पड़ेगा कर्नाटक
कि इस केस का कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर? अभिनव, बिल्कुल, देखिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है, इसलिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, वो उसकी जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं राजनीति में जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार एक बड़ी जंग छिड़ गई है इस पूरे मामले को लेके। एचडी देवगौड़ा के पोते ने जो कारनामा किया है, जिस प्रकार से उनका एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को दोषी बता रही है, भाजपा लगातार कांग्रेस पे हमलावर है। उसका कहना है कि सरकार जब कांग्रेस की है और ये सब कांग्रेस ने जानबूझ के इस दौरान लीक कराया है जिससे कि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कोई वहां झटका मिलता है या फिर इंडिया अलायंस को वहां पे नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और सीएम कांग्रेस के वहां पे। अभिनव, जिस प्रत्याशी का प्रचार करने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचते हो, रैली करते हो, सभा करते हो, उस प्रत्याशी पर अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हो तो क्या प्राइम मिनिस्टर पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? क्या बीजेपी को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में ही बीते साल चिट्ठी लिखी गई थी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तो क्या ये माना जाए कि इन्हें जानकारी थी इन मामलों की? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री अगर किसी प्रत्याशी के लिए रैली कर रहे हैं तो ऐसे में वो प्रत्याशी अगर दागी है, उस पे इस तरह के इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पे भी तो सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस एक इतने बड़े आरोपी के लिए चुनाव प्रचार किया। लेकिन लगातार भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने इसको एक जानबूझ के नैरेटिव बना के सेट किया और एकदम चुनाव के समय इसको। ओके अभिनव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ओपिनियन फॉर दिस न्यूज। तो ये थे हमारे करस्पोंडेंट अभिनव सिंह, जो जानकारी दे रहे थे कि आखिर इस कर्नाटका के सेक्स स्कैंडल का न सिर्फ कर्नाटका की लोकसभा सीटों पर बल्कि साथ ही साथ देश भर के चुनावों में क्या कुछ असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की दो हाई प्रोफाइल सीटों रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो केवल चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। वहीं राहुल गांधी के अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कल तक फैसला आ सकता है। इससे पहले खबर थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली की सीटों से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा था कि इन सीटों पर उम्मीदवारी के ऐलान से पहले प्रियंका और राहुल अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। राजेश यादव हमारे संवाददाता लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेश यादव, एक खबर जो लगातार सियासत में तैर रही है, सियासी गलियारे में तैर रही है, वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनके लगातार चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, फिलहाल अब यह खबर है अंदर खाने से कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। कितना असर कांग्रेस को पड़ेगा? अगर बात करें हम कांग्रेस बरकरार है, लेकिन अगर बात करें हम प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव रायबरेली या अमेठी से नहीं लड़ेंगी, बल्कि वो वहां जो भी प्रत्याशी लड़ेगा उसके फेवर में प्रचार करेंगी। और एक चीज और आपको बता दें कि बात अगर राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उनके भी चुनाव लड़ने पर कल वहां पे मुहर लग सकती है कि राहुल गांधी रायबरेली या अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये सस्पेंस जो है अभी बरकरार है, लेकिन कल जो है इस पे फैसला आ सकता है कि राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। राम राजेश, जब कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव तो कहा यह गया कि वो विपक्ष को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, कमान संभाले हुए हैं 80 लोकसभा सीटों की इंडिया अलायंस की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी खबर चली और ये भी बातें चली कि अब जो है राहुल और प्रियंका भी सामने से आकर पत्ते खोल सकते हैं, लेकिन अभी तक पत्ते खोले नहीं गए। प्रियंका तो लड़ेंगी नहीं, लेकिन अमेठी में जिस तरीके से राहुल का इंतजार लगातार किया जा रहा है, बीजेपी लगातार हमलावर कह रही है कि वायनाड भाग गए हैं अमेठी में हार के बाद, तो कब तक माना जाए कि इंतजार कब तक ये खत्म हो सकता है? राम, अगर बात करें अमेठी से लड़ने की या रायबरेली से लड़ने की, तो कल तक इस पे फैसला आ जाएगा कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। ज्यादा अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी के नाम पर वहां पे मुहर लगने वाली है, वो कल तक फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी
अगर राहुल गांधी चुनाव भी लड़ते हैं तो प्रियंका गांधी उनके उनका वहां पे प्रचार करेंगी, और एक सीट जो बचेगी अमेठी या रायबरेली में जो एक सीट बचेगी उस पर भी कल तक फैसला आ जाएगा, और उसके पक्ष में प्रियंका गांधी लगातार वहां पे प्रचार प्रसार करेंगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर रही है कि राहुल गांधी वायनाड भाग गए हैं और अमेठी से या रायबरेली से कोई भी प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं उतरा है, लगातार बीजेपी उस पर हमलावर रही है, लगातार उस पर तंज कसती हुई नजर आती है। लेकिन अगर बात करें राजेश, मुझे ये बतलाइएगा कि आखिर रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी को लॉन्च ना करने की या फिर किसी भी सीट पर लॉन्च ना करने की वजह क्या हो सकती है, और अगर प्रियंका रायबरेली में नहीं तो फिर रायबरेली से कौन कौन से नाम चर्चा में है? राजेश राम, अभी उन नामों की चर्चा भी नहीं हो पाई है, लेकिन सिर्फ एक नाम पर चर्चा हुई है जिसमें राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी दोनों सीटों में से किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे इसमें कल मुहर लग जाएगी। रही बात जो एक सीट बचेगी उस सीट पर भी कल मुहर लगने वाली है, बाकी बीजेपी लगातार तो तंज कसती आ रही है क्योंकि अभी तक उन दोनों सीटों पर किसी भी नामों का फाइनल नहीं हो पाया, और लगातार अमेठी में और रायबरेली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नामों पे चर्चा होती रही है। वहां की जनता जो है राहुल गांधी और प्रियंका की लगातार मांग करती रही है। ओके राजेश, इन द लास्ट, अगर मैं लगा रहा हूं, अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस में कितना उत्साह, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह आ सकता है? बिल्कुल राम, ये बात तो देखने वाली होगी, लेकिन बात अभी सही है कि जिस तरीके से अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के नामों पर चर्चा चल रही थी, अगर दोनों सीटों में से किसी भी सीट पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उतर कर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो कांग्रेस के समर्थक है, वहां की जनता जो है बिल्कुल इस बार जो है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को वहां से उसकी सीट पर देखना चाहती थी, और शायद है कि वहां का मुकाबला जो है इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। ओके राजेश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस जो है वो खत्म होने को है और कल तक इस पर अंतिम फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी बाहुबली धनंजय सिंह की रिहाई में अभी देर है। कागजी कार्रवाई पूरा होने तक धनंजय सिंह की बरेली जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी। उम्मीद है कि आज शाम या फिर कल धनंजय सिंह बरेली जेल से बाहर आ पाएंगे। धनंजय पर अपहरण और जबरन वसूली का केस चल रहा है। गौरतलब है कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने के मामले में निचली अदालत से सजा मिलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में धनंजय सिंह ने अपील की थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा तो रद्द नहीं की लेकिन जमानत जरूर दे दी। लेकिन बीते शनिवार से 3 दिन गुजर जाने के बाद भी धनंजय सिंह की बरेली जेल से रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। राजेश यादव हमारे संवाददाता एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश यादव, यहां रिहाई का आदेश तो शनिवार को आ गया था जमानत पर रिहाई का, लेकिन अब तक 3 दिन हो चले हैं और फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाए धनंजय सिंह, क्या जानकारी है? बिल्कुल राम, बात करें धनंजय सिंह की तो धनंजय सिंह अब उसकी बेल हाई कोर्ट ने दे दी थी और आज 3 दिन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो अगर हाई कोर्ट से अगर बेल होती है तो जो उसमें कागजी कार्रवाई होती है उसमें अमूमन लगभग 3 से 4 दिन या अगर कहें तो 5-6 दिन लग सकता है, क्योंकि उसकी जो कागजी कार्रवाई होती है एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया के दौरान उसको गुजरना पड़ता है सारे उन डॉक्यूमेंट्स को, एक के बाद एक उसका एक स्टेप होता है, उसके दौरान जो है सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही उनकी वहां से जमानत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने अभी जमानत दे दी है तो उनकी रिहाई अभी होने में शायद है कि 1 से 2 दिन लग सकता है, क्योंकि 5 से 6 दिन इसमें एक प्रक्रिया है, 5 से 6 दिन उसमें टाइम लगता है जमानत होने में राम। ओके राजेश, 5 से 6 दिन का वक्त लगता है, लेकिन कृपा शंकर सिंह जौनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार, जौनपुर से बीजेपी के सामने है बसपा के उम्मीदवार श्रीकला रेड्डी, वो श्रीकला रेड्डी जो धनंजय सिंह की पत्नी है। धनंजय सिंह भले ही चुनाव नहीं लड़ पा रहे हो लेकिन उनके जेल से बाहर आने का क्या कुछ प्रभाव जौनपुर की राजनीति में पड़ेगा, चुनाव पर पड़ेगा? राजेश राम, अगर बात करें जौनपुर सीट बिल्कुल बहुत अगर जी तो वहाँ का जो इस समय मुकाबला है बिल्कुल दिलचस्प है, क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से कृपा शंकर सिंह वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं।
और बात की जाए अगर धनंजय सिंह की, तो धनंजय सिंह की पत्नी जो है श्रीकला रेड्डी जो है वो बीएसपी से चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन अगर बात की जाए धनंजय सिंह की, तो धनंजय सिंह की फेल होने से, जमानत होने से बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है जौनपुर लोकसभा सीट पर, क्योंकि जो वहां पर अगर बात की जाए वहां पर जो राजपूत वोटर है, राजपूत वोटर अगर धनंजय सिंह अगर ना आते या उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी अगर वहां पर चुनाव मैदान में ना आती, तो जाहिर सी बात है कि जो राजपूत वोट था वो। राजेश, यहाँ एक चीज ये भी समझना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में है जौनपुर के, क्या बाबू सिंह कुशवाहा भी नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को या फिर बसपा को, किसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? राम, अगर बात करें बाबू सिंह कुशवाहा की, तो बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा कारण है कि बाबू सिंह कुशवाहा बैकवर्ड से आते हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं, जो कि मौर्य समाज से। अगर बात की जाए मौर्य समाज, तो मौर्य समाज जौनपुर की लोकसभा सीट पर, खास करके जौनपुर सदर में मौर्य समाज काफी मात्रा में वहां पे है, तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी को मौर्य समाज का वोट जाना था, वो मौर्य समाज का वोट इस बार वहां पर कटेगा और वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के बाबू सिंह कुशवाहा को मिलने वाला है। राम, ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अथॉरिटी की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब आप नींद से जागे हैं। कोर्ट में पतंजलि मामले पर सुनवाई शुरू होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से दलील दी कि हमने जो माफीनामा अखबारों में दिया था उसे कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कर दिया गया है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने अखबारों में छपा माफीनामा दिखाया। वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए, आपने ई फाइलिंग क्यों की, इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, हमने ओरिजिनल कॉपी मांगी थी, वो आखिर है, कहा। तो फिलहाल के लिए इतना, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।